योगा टेक के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ गरिमा भंडारी। योगा तक पर आपका स्वागत है और आज का ये वीडियो फोकस्ड है उन लोगों के लिए जो ऑफिस में लॉन्ग आवर्स के लिए अपनी डेस्क पर टाइम स्पेंड करते हैं और सीटेड पोजिशन में रहते हैं, तो उनकी जो बैक है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है, स्पेशली इन द लुम्बर एरिया, जिसकी वजह से उनके शोल्डर में, नेक में और बैक में अक्सर पेन एंड डिस्कम्फर्ट रहता है। ऑल्सो हैंड्स की जो रिस्ट्स की मसल्स हैं, फिंगर्स के टेंडन्स हैं, फ्लेक्सर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाते, तो उसमें भी एक एक्टिव ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो उसमें भी आप एक तरह की स्टिफनेस महसूस कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे कुछ ऐसे इजी स्ट्रेचेज जिनको आप ऑफिस डेस्क पर बैठ के एवरी 2 आवर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड स्पेशली अगर आप टाइम प्रेस्ड हैं और आपके स्केड्यूल में आपके पास इतना टाइम लीवे नहीं है कि आप योगा मैट पे एवरी डे 20 मिनट्स या हाफ एन आवर की योगा कर सकें, तो आई हाईली सजेस्ट कि आप अपने ऑफिस की डेस्क पर बैठ कर एवरी 2 आवर्स में एक ब्रेक लें एंड द मच नीडेड स्ट्रेच जो है आपकी बॉडी के लिए उसको प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले हम एक कंफर्टेबल अपराइट सीटेड पोजीशन में बैठेंगे विद आवर स्पाइन टोटली स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, और अपनी लेग्स को हम इस तरह से 90 डिग्री में प्लेस करेंगे एंड सबसे पहले स्ट्रेच करेंगे हम अपनी रिस्ट और फिंगर्स। सो अपने आर्म्स को विद एन इनहेल अपने सामने इस तरह से लेकर आएँ एंड एक्टिवली इस तरह से फिस्ट को फॉर्म करें एंड ओपन करें, फॉर्म करें, रिलीज करें, फॉर्म रिलीज, फॉर्म रिलीज, ऐसा आप 5 to 10 टाइम्स करें और उसके बाद फिस्ट को टाइट करके दोनों को क्लॉकवाइज रोटेट करें, दोनों रिस्ट को, और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट करें। ये भी आप 4 to 5 टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद आप अपनी फिंगर्स को इस तरह से पीछे की तरफ फ्लेक्स करें टाइट, जिससे कि आपकी रिस्ट एकदम ओपन अप होती है, एंड दूसरी साइड में इस तरह से स्ट्रेच 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 दें उसको, एंड फिर अपने हैंड को इस तरह से ओपन करके पूरे हाथों की मसल्स को एक डीप आउटरीच दें, दूसरे हाथ की मसल्स को भी इस तरह से स्ट्रेच करें एंड अपने शोल्डर्स को इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करें एंड एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट। आप एक इंस्टेंट जो आपके शोल्डर में स्टिफनेस है और अपर नेक एरिया में स्पेशली अगर किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट है, तो आप एक इंस्टेंट रिलीफ इस तरह के क्विक स्ट्रेच से पा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, उसमें आपको अपनी लेग्स इस तरह से 90 डिग्री ग्राउंड पे फर्मली प्लेस रखनी है और अपने सबसे पहले आप अपनी राइट लेग को अपने हाथों से सपोर्ट करते हुए अपने राइट फुट को इस तरह से अपने लेफ्ट नी के ऊपर प्लेस करें एंड इसको फ्लेक्स रखें ताकि आपकी नी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ना आए। उसके बाद आप एक स्पाइन में एक जेंटल ट्विस्ट देंगे, एक तरह का हाफ पिजन पोस्चर है ये, सीटेड हाफ पिजन पोस्चर, तो अपने ऑपोजिट हैंड को, मतलब कि लेफ्ट हैंड को, राइट लेग पे इस तरह से प्लेस करें आउटसाइड ऑफ द राइट नी एंड पीछे की तरफ स्पाइन को ट्विस्ट करें, नाइस डीप स्पाइनल ट्विस्ट, एंड मेक श्योर कि आपकी जो सीटेड पोजीशन है वो एट ऑल टाइम्स अपराइट रहे, एंड एक्सहेल के साथ कम बैक टू द सेंटर। इसी को हम दूसरी साइड में रिपीट करेंगे, अपने हाथों के सपोर्ट से अपने लेफ्ट फुट को अपने राइट नी के ऊपर इस तरह से प्लेस करें एंड फुट को फ्लेक्स रखें एंड उसके बाद ऑपोजिट हैंड यानी कि राइट हैंड को लेफ्ट नी के साइड में इस तरह से प्लेस करें, जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं उस तरह, अगर आपको इस तरह से हैंड प्लेस करना ठीक लगता है इस तरह से, विच एवर वे यू लाइक, एंड फिर पीछे की तरफ एक्टिव अपनी बैक को स्ट्रेच करें ऑल द वे ऊपर से लेकर पूरे अपने टेल बोन तक, एंड इस तरह के एक्टिवेशन में आप नोटिस करेंगे कि ना सिर्फ आपकी बैक पूरी ओपन अप होती है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, बट एट द सेम टाइम आपके जो एब्डोमिनल ग्लैंड्स हैं वो भी इसमें काफ़ी स्टिमुलेट होते हैं। सो ये थे कुछ इजी क्विक स्ट्रेचेस जो रेकमेंडेड है आपकी ऑफिस डेस्क पे एवरी 2 आवर्स आप प्रैक्टिस करें, या फिर जब आप ऑन द वे हैं अपने ऑफिस के, या ऑन द वे हैं टू योर होम फ्रॉम योर ऑफिस, तो अपनी कार में
पीछे बैठ के प्रैक्टिस करें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करें। एंड योगा तक को यूट्यूब पे प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड फेसबुक पे फॉलो ज़रूर करें। नमस्ते।